यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। तो यार आज हम लोग खेलने जा रहे हैं TCG कार्ड शॉप सिमुलेटर। जिस गेम के अंदर हम लोग अपना एक खुद का शॉप खोलने वाले हैं, जिस शॉप के अंदर हम लोग पोकेमोन कार्ड्स को बेचेंगे। पोकेमोन कार्ड्स को बेच के काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे एंड उसी प्रॉफिट से हम लोग अपने शॉप को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फटाफट से गेम को हम लोग है ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स गो गाइस। गेम स्टार्ट तो हो चुकी है एंड ये रही अपनी एक प्यारी सी शॉप। यही शॉप है ना। और भाई साहब, ये जो ग्राफिक्स है ना, पूरे के पूरे सुपर मार्केट सिमुलेटर की तरह ही है, लेकिन थोड़े से उससे ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, और बंदे आ भी रहे क्या अपनी शॉप में अभी से? लॉल भाई, आई क्विट माई जॉब टू ओपन माई ओन कार्ड गेम स्टोर। दिस इज इट टाइम टू गेट डाउन टू बिजनेस। ओके, तो अपने बंदे ने उसका जो जॉब था ना उसको छोड़ दिया है ताकि वो अपना एक शॉप खोल सके। ठीक है, तो ये अपना शॉप यहाँ पे खोलने जा रहे हैं। शॉप का नाम हम लोग को रखना है माई कार्ड शॉप, यहाँ पे नाम है। हम लोग रखेंगे पिकाचू, कैसा रहेगा? बर्बसौर। चलो ठीक है भाई, हम लोग अपने शॉप का नाम रखेंगे बर्बसौर। बर्बसौर एक टाइप का पोकेमॉन होता है। ठीक है, जिन लोगों ने पोकेमॉन देखा है उन लोगों को पता होगा। चलो ठीक है, हम लोग बर्बसौर अपने शॉप का नाम रखते हैं। और भाई बंदे अभी से आए जा रहे हैं भाई अपने शॉप पे। कुछ मटेरियल भी नहीं है फिर भी। चलो ठीक है, हम लोग अपनी शॉप के अंदर एंटर हो चुके हैं। अभी मेरे को एक पहला टास्क आया है, ओपन फोन एंड स्टॉक अप ऑन कार्ड पैक। तो सबसे पहले मुझे ना कार्ड बाय करने अपने शॉप के अंदर। भाई ये गेम अलग ही यार। इस गेम के अंदर पहला टास्क हम लोगों का आया है कि थोड़े पोकेमोन कार्ड्स को तुम बाय करो ताकि तुम अपने शॉप के अंदर उसे सेल कर सको। लेकिन गाइस, सारे के सारे सिमुलेटर गेम में ना सबसे पहले शॉप को साफ करने का ऑप्शन आता है। इस गेम के अंदर अच्छा हुआ शॉप को साफ करने का ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, बढ़िया है। मुझे ऑप्शन क्या है? ओपन फोन एंड फोन कैसे ओपन करना है? अच्छा, टैब दबा के। चलो ठीक है भाई। और अभी मुझे स्टॉक बाय करना है। ठीक है, स्टॉक मतलब थोड़े से पोकेमोन कार्ड्स। ठीक है, स्टॉक ऑर्डर। ओके, यहीं पे मैं बाय कर सकता हूँ। और ये वाले जो पोकेमोन कार्ड है ना, ये बेसिक पोकेमोन कार्ड्स है। ठीक है, 32 आएंगे एक साथ। अगर मैं इसको बाय करूँगा तो $54 का मिलेगा मुझे ये एक बॉक्स, और मेरे पास है $1000। चलो ठीक है, बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, तो एक मैं इसे बाय कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट। ठीक है, और इसको मैं बाय नहीं कर सकता क्योंकि इसको शॉप लेवल 2 रिक्वायरमेंट है। ऊपर है ना मेरे शॉप लेवल आ रहा है, ठीक है, लिख के। और मेरा जो शॉप है ना लेवल 1 का है। लेवल 2 का जब मेरा शॉप होगा ना तभी मैं इस बॉक्स को बाय कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या क्या मैं बाय कर सकता हूँ, लेट मी चेक। थोड़े से स्प्रे वगैरह है यहाँ पे। ये स्प्रे क्या काम करते? क्लेंसर लाइसेंस। पता नहीं, शॉप लेवल 2 रिक्वायरमेंट। इसके लिए शॉप लेवल 10 रिक्वायरमेंट है भाई साहब। ये क्या है? फिगुरिन, व्हाट द हेल। अच्छा, टॉयज है पहल के, मेरे ख्याल से ये टॉयज है। ठीक है, टॉयज को भी हम लोग अपने शॉप के अंदर बेच सकते हैं। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोगों ने ये कार्ड है ना, ये ऑर्डर करा था ना, ऑर्डर तो नहीं करा है, अभी हम लोग ऑर्डर करने जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ ना 2-3 बार कर लेता हूँ। ठीक है, 2 और कार्ट में ऐड कर लेता हूँ और अभी 3 यहाँ पे मंगवा लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे टोटल $168 कट के जा चुके हैं, लेकिन मेरा जो ऑर्डर है ना ये आ चुका है। भैंस के टांग, इतनी जल्दी इसको उठाऊँ कैसे मैं? अच्छा ऐसे, और इसको R से ओपन करना है मेरे ख्याल से, R2 बॉक्स ओपन, और इसके अंदर मैं प्लेस कर सकता हूँ कैसे? अच्छा A से प्लेस कर सकता हूँ। चलो ठीक है भाई, सारे के सारे मैंने अपने शेल्फ के अंदर रख दिया यहाँ पे। और इस बॉक्स को, अबे यहाँ पे डोर, इसको ओपन कर सकता हूँ? नहीं मेरे ख्याल से। और इसको मैं डस्टबिन में फेंकना चाहता हूँ। अच्छा ये रहा डस्टबिन। चलो ठीक है भाई, अभी ये जो सारे के सारे बॉक्स है ना, इन सारे के सारे बॉक्स को ओपन करके मैं अपने शेल्फ के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, चलो गाइस, ये लास्ट बॉक्स है और इस बॉक्स को भी मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फिल कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद इसको भी कचरा पेटी में ऐसे डाल लेते हैं। देन गाइस, यहाँ पे एक डोर था ना, ये ओपन नहीं हो रहा वैसे भी। मेरे को क्या लगा, मेरे हाथ में बॉक्स था ना इसी वजह से वो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा यार। और ये झाँक के क्यों जा रहे हैं भाई? झाँक क्यों रहे हैं साले? हैं झाँक क्यों रहा है? डंडा है क्या मेरे पास? मेरे पास डंडा होता ना तो तेरी श्यामत आ गई थी, तेरे को पता है अभी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अभी मुझे टास्क क्या है? सेट द आइटम प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस टू बी प्रॉफिटेबल। चलो ठीक है, जो भी मार्केट प्राइस है ना उससे ज़्यादा प्राइस रखनी है मुझे। ठीक है, तो मुझे कॉस्ट पड़ा था $1.69 एक पैकेट का, और मार्केट की जो प्राइस है ना वो है $2.67। तो मैं ना $3 को बेचूंगा इसे। ठीक है, तो प्राइस इसका रखूँगा मैं $3। लेट्स गो, डन। और सारे के सारे पैकेट्स पे प्राइस जा चुके ना,
चलो ठीक है, मुझे लगा सारे के सारे पैकेट्स पे मैन्युअली प्राइस डालनी पड़ेगी क्या अभी। इसको मैं थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे नहीं डाल सकता क्या, ताकि कस्टमर आए यहाँ से उठाए और डायरेक्टली मेरे पास आए। ठीक है, इसको थोड़ा सा उधर सरकाऊंगा मैं, ताकि यहाँ पे थोड़ी सी और शेल्फ वगैरह मैं रख सकूँ। रख सकता हूँ कैसे, क्यों दबा के, ये लेट्स गो। इसको एकदम कोने में रखता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकूँ अपने शॉप के अंदर। ठीक है, इसको मैंने रख दिया। अभी न्यू टास्क आया है, लेट कस्टमर्स इन स्विचिंग द साइन ऑन विंडो ओपन। चलो ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऑन कर सकता हूँ। ये मेरी शॉप ओपन हो चुकी है और कस्टमर मेरे शॉप में अभी आने शुरू हो जाएंगे गाइज मेरे ख्याल से तो। ओ भाई, ये बंदा आगे जा रहा था ना, अभी वापस से पीछे कैसे सर गया टकला। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टकला पोकेमोन कार्ड यहाँ पे बाय कर रहा है, दिस इज फाइन। चलो ठीक है भाई, इसको कार्ड पसंद भी आ रहे। और इसने कचरा फेंका क्या, फेयर प्राइस, व्हाट द हेल, क्या बोला इसने, और नीचे कुछ फेंका ना अभी। ओ, इसने काफी सारे कार्ड बाय कर लिए एक ही समय में, इसकी टांग पर कितने सारे बाय कर लिए इसने। ओ भाई, काफी सारे बाय कर लिए इसने तो, काफी तगड़ा वाला कस्टमर आया भाई अपनी शॉप के अंदर तो। कितने पॉकेट बाय करी इसने, 69 भाई साहब, 69। क्या नंबर है भाई, इसको $11 मुझे वापस करें यार, 10 और ये $1। चलो ठीक है भाई, भाई पहली कस्टमर ने $69 का परचेस किया है यार। और ये देखो, दूसरे ने भी परचेस कर रहा है भाई, काफी ज्यादा सामान परचेस कर रहे हैं पता नहीं क्यों। अपने लिए तो अच्छी बात है ना, और ये ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके कितने रुपए काटने, यहाँ पे $30 दिखा रहा है, तो $30 काट लेता हूँ भाई। भाई साहब, ऐसे तो मेरी सारी के सारी शॉप खत्म हो जाएगी यार, खत्म मतलब सब कुछ सामान बिक जाएगा मेरा। और ये देखो, ये नुबड़ा था थोड़ा सा, इसके मुझे काटने $9। चल निकल गरीब कहीं का। भाई गरीब का मजाक नहीं उड़ाना भाई। भाई साहब, मेरे पास वापस $939 हो चुके हैं यार, बढ़िया चीज है ये तो। चलो नया टास्क आया है मुझे, सक्सेसफुल कंप्लीट 5 चेकआउट्स। ओके, तो 5 कस्टमर्स को आने का मुझे यहाँ पर वेट करना है। जब तक कस्टमर्स आते हैं ना, वैसे कस्टमर आ भी गया, तब तक मैं ना मोबाइल खोल के देख लेता हूँ मैं क्या क्या परचेस कर सकता हूँ। यहाँ पे माई डी आई वाई के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी शेल्फ वगैरह बाय कर सकता हूँ, और उसको बाय करने के लिए लेवल 2 का होना चाहिए। एक्चुअली मेरा शॉप लेवल 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं अभी तक तो बाय नहीं कर सकता शेल्फ को। यहाँ पे है रिनोबिक के अंदर शॉप एक्सपेंशन। ओ भाई साहब, मतलब मेरी जो शॉप है ना, इस शॉप का जो एरिया है ना, इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब बड़ा कर सकता हूँ। चलो ठीक, बढ़िया चीज़ है ये भी। सेटिंग के अंदर जाने के बाद ओके, चलो ठीक है, सेटिंग खुल जाएगी। मैनेज इवेंट टेर, ये क्या है, टेट्रामोन, करंट गेम इवेंट, बर्बसोर अपने शॉप का नाम आया है यहाँ पे। ये कुछ बकवासी चीज़ मुझे लग रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। जिसे को पता होगा मुझे कमेंट में तुम लोग बता देना। ठीक है, बकवासी चीज़ लग रही है कोई, तो अगर काम की होगी तो कमेंट में मुझे बता देना, अदरवाइज रहने दो। TCG प्राइस, बेसिक कार्ड की प्राइस, अच्छा मतलब यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है ना, ये दिखा रहा है मेरे ख्याल से। गो रिक्वायर्ड, ओह भाई साहब, मतलब मैं एम्प्लॉयज़ को भी हायर कर सकता हूँ मेरे ख्याल से यहाँ पे, हायर। और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ यार, हम लोग इनको हायर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पे बिल्स, मुझे बिल भी पे करना पड़ेगा, शिट मैन। चलो ठीक, 3 कस्टमर यहाँ पे आ रखे, सबको मैं सर्व कर लेता हूँ और अपना जो टास्क है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको मुझे $4 वापस करने हैं। चल निकल अभी तू। और ये रहा एक और कस्टमर, भाई साहब इसने खाली 2 बाय करे यार, ये सब सच में गरीब है भाई। चलो इसके $6 काटने, चल निकल। और ओ भाई, ये रहा ना अमीर बंदा भाई, तू अमीर है भाई, तू काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है भाई। चलो ठीक, कार्ड निकाला इसने, इसके काटेंगे हम लोग $30। चल निकल। और भाई साहब मेरे पास वापस $981 हो चुके हैं, लेट्स गो। तो हाँ, वो वाला टास्क तो अपना जा चुका है। ग्रैब कार्ड पैक ऑन शेल्फ एंड ओपन देम टू गेट न्यू कार्ड्स। ओ भाई साहब, मतलब मैं इन कार्ड को ओपन भी कर सकता हूँ। चलो भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कार्ड उठाते हैं, यहाँ से कार्ड उठाते हैं। ठीक है, कैसे उठाना यार, अच्छा 2 उठा लिए मैंने, चलो ठीक है। इसको ओपन करने के लिए R दबाना पड़ेगा मुझे। ओ ऐसा ओपन कर लिया, और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही है बाजू में, $0.15। ओके, इसका नाम है वर्बो, $0.20। सनफ्लॉक कैरोन, $0.23। व्हाट द हेल, लिपअप है, सबकी वैल्यू काफ़ी कम यार, फ्लेमी
सीड आंट, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है यार, लेकिन बकवास ही भाई। ये खतरनाक पहल मिल गया ना हम लोगों को पोकेमोन एक्चुअली। टेट्रॉन भाई, टेट्रॉन की वैल्यू $5 है यार, इसको मैं बेच सकता हूँ क्या? ओ भाई साहब बढ़िया यार, चलो दूसरा पैकेट भी खोल लेते हम लोग। दूसरे पैकेट के अंदर क्या क्या मिलेगा? अच्छा पहला पहल कौन सा था यार, मैंने देखा ही नहीं पहला कौन सा था। चलो ठीक है भाई, ये है सन फ्लॉक $20, 0.20, 0.10 बैट रैंक, 0.08 भाई एकदम बकवास यार। हेलियो 0.16, निबिल्स मेरे ख्याल से पैलवर्ड में था ना, पता नहीं यार, ये भी बकवास है यार। $1 है भाई इसकी टोटल वैल्यू, टोटल कार्ड्स की, क्या बकवास है। और ये सारे के सारे कार्ड कहाँ पे गए? टैब दबा के मैं शॉप कर सकता हूँ, आर दबा के मैं एल्बम ओपन कर सकता हूँ। अच्छा चलो मेरा एल्बम आ चुका है, और ये सबसे बढ़िया कार्ड, उसके बाद थोड़ा सा बढ़िया, हाँ मतलब ये है ना, थोड़ा सा प्राइस वाइज सीरीज है, ठीक है, मतलब प्राइस वाइज लगाए हुए सारे के सारे कार्ड है। चलो ठीक है, और थोड़े से कस्टमर अपने शॉप के अंदर आ चुके सब। इसने तो काफ़ी सारे मतलब बेच, इसने काफ़ी सारा परचेस कर लिया यार, लेट्स गो। चलो ठीक है भाई, ये सबसे महंगा कस्टमर होने वाला है अपनी शॉप के अंदर, सबसे ज़्यादा खरीदी करने वाला आज तक का। 69 था यार लास्ट टाइम इसने $60 का खरीदा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ₹1 भी मुझे वापस नहीं देना है, ठीक है। और फिर भी रुका था साला उसको लगा था कुछ ना कुछ दे दे बंदा वापस। चलो ठीक है, इसने दो कार्ड बाय करे खाली, और इसको $4 मुझे वापस करने, ठीक है। चलिए $4 ले और निकल भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा सामान परचेस कर रहे यार अपनी शॉप के अंदर बंदे, बढ़िया चीज़ यार ये तो। इसने भी भाई $33 का सामान लिया है यार, $7 इसको वापस देने। चलो ठीक है, 5 और ये 2, 7, चल निकल। और भाई मेरे पास वापस 1000 से भी ज़्यादा पैसे हो चुके हैं। चलो ठीक है, ग्रैब कार्ड पैक्स, अच्छा एक और कार्ड ग्रैब करना है मुझे, तब तक मैं काम करता हूँ ना, थोड़े से कार्ड बाय ही कर लेता हूँ यार, क्योंकि कार्ड खत्म होने को आए ना अपने पास। लेवल 2 का होगा मैं, रियली व्हाट द हेल भाई, मैं अभी ये वाले कार्ड बाय कर सकता हूँ, ये $50 के कर लेते यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 कर लेते। एक ऐसे नहीं भाई, क्या ये 1, 2, 3 बाय कर लेता हूँ, इतने काफ़ी ज़्यादा पैसे जा रहे हैं यार, 2 ही बाय कर लेते। चलो 2 बाय मैंने कर लिया, और अभी मैं लेवल 2 का हो गया हूँ ना, तो क्या क्या मैं परचेस कर सकता हूँ अभी? ये वाले कार्ड भी मैं परचेस कर सकता हूँ, तो 1 कर लेता हूँ, ठीक है ठीक है, कर लिया ना मैंने। हाँ और क्या क्या परचेस कर सकता हूँ, ऑल पे जाके देख सकता हूँ ना मैं शायद। वो मैं यहाँ पे ये वाले जो बॉटल्स है ना, इसको भी बाय कर सकता हूँ, क्या सी नहीं है, 1 ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, और कुछ नहीं है और कुछ भी अनलॉक नहीं इसके लिए है ना, मेरा लेवल ज़्यादा होना चाहिए मेरे शॉप का। हाँ तो इसको है ना मैं बाय कर लेता हूँ, और जब तक अपना सामान आता है ना तब तक मैं एक काम करता हूँ, एक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ऐसे निकल यार, और इसको ओपन करके देखते भाई क्या क्या निकलेगा अभी इसके अंदर से देखो भाई मैं कितना अजीब बंदा हूँ यार, मैंने शॉप ओपन कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन मैं अपने माल को खुद ही खरीदे जा रहा हूँ, और मतलब खुद ही ओपन करे जा रहा हूँ भाई, वाह भाई कितना बकवास है ये, 0.4006 ये कुछ बढ़िया मिला, 1.46 मतलब बकवास ही है वैसे देखा जाए तो, ये भी बकवास, सारे के सारे बकवास कार्ड मिले यार, लेकिन इसको ओपन करने का क्या फ़ायदा भाई, छोड़ो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ये गेम वाले भी अजीब टास्क दे रहे हैं मुझे। चलो भाई इससे पहले ना ये ओपन करता हूँ मैं, और सारे का सारे जो सामान है ना इसको शेल्फ के अंदर लगा देता हूँ, तो सबसे पहले ऊपर इसको लगा लेता हूँ, ये कुछ अलग टाइप का, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ क्या, पता नहीं भाई। चलो ठीक, सारा का सारा सामान मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब इसको यहाँ पे ऐसे फेंक देते हैं, देन इसको ओपन करेंगे, देन इसको भी शेल्फ के अंदर ऐसे लगा देते हैं हम लोग। ओ भाई साहब ये स्प्रे ना वो वाले, इन स्प्रे को मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे नीचे, 8 स्प्रे टोटल। चलो ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे परफेक्ट जगह है, इसको यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, एंड इसके अंदर भी लास्ट वाले वो वाले है, ठीक है कार्ड, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे इसे इसको पूरा का पूरा फिल कर दिया, और यहाँ पे थोड़े से रख सकता हूँ क्या, अभी कहीं पे भी नहीं रख सकता, तो इसको है ना R2 क्लोज बॉक, F2 थ्रो। चलो ठीक है, इसको यहाँ पे थ्रो करता हूँ, एंड इसको मैं सामान पूरा का पूरा सेल करता हूँ, ठीक है। तो ये कार्ड दे रहा है, इसके काटने मुझे टोटल $9। चलो ठीक है, बाय बाय सर जी, वापस ज़रूर आना भाई, ये दो दो कार्ड क्यों ले रहे, पागल कहीं के, $4 इसे वापस देने मुझे,
चल निकल। और ये लास्ट वाला कस्टमर भाई, इसके बाल देखो यार कितने प्यारे, ऐसा लग रहा है कि कोई ट्री लगा रखा है इसने अपने सर के ऊपर। भाई एक कार्ड बाय कर रहा है बंदे ने भाई, डंडा नहीं चाहिए, नहीं यार इस गेम के अंदर डंडा होना चाहिए यार। एक दो चल निकल। हाँ तो कस्टमर आने बंद क्यों हो गए, रात हो चुकी है शायद से, तो मैं लाइट को ओपन कर सकता हूँ ना ऐसे। बढ़िया लेट्स गो। तो अभी मुझे एक और नया टास्क आया होगा, बाय अ प्ले टेबल एंड पुट इट इन द शॉप। ठीक है भाई मुझे प्ले टेबल बाय करने है अभी, और प्ले टेबल बाय करने के लिए कहाँ पे जाना था मुझे, माय डीआईवाई में हो सकता है ना। ये रहा प्ले टेबल $200 का, एक और बाय कर लूँ, कर लेते यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो दो मैंने टेबल बाय कर लिए। अच्छा मतलब बाय नहीं करे शायद से मैंने, मेरे ख्याल से बाय करे क्या, अच्छा बाय ही करे थे लॉल। इसको मैं ओपन करता हूँ, व्हाट, हाँ इसको ऐसे आर से ओपन करते हैं, और ये टेबल को ना इस बाजू में रखेंगे ऐसे कोने में। ये गया पहला टेबल, और उसके बाद ये रहा अपना प्यारा सा दूसरा टेबल। ठीक है इसको मैं जस्ट इस बाजू में रखूँगा, लेकिन ये घूम क्यों गया ऐसे पागल की तरह। चलो ठीक है इसको चिपका के रखूँ मैं ऐसे, रख सकता हूँ क्या चिपका के रखते यार, डोंट वरी। और तीन कस्टमर वापस आ चुके हैं अपनी शॉप के अंदर, और भाई इसने काफ़ी तगड़ा परचेस करा है। ब्रो व्हाट द हेल, मैंने इसका प्राइस सेट नहीं करा, व्हाट द हेल ब्रो। भाई इसका प्राइस मैंने सेट नहीं करा यार, मैं घाटे में चला गया यार। इसका $2 और इसका प्राइस मैं रखूँगा, भैया काफ़ी महंगा है यार ये, $13 में मार्केट प्राइस है, तो मैं $14 रखूँगा इसको, डन। चलो ठीक है भाई। भाई मैं घाटे में चला गया यार, इसके कितने पैसे बेसिक कार्ड के, कार्ड स्लेवर के भाई $1। कितने सारे लिए यार फिर भी $1 दिखा रहा है वहाँ पे, छी यार। इसके भाई $20 हुए, चलो $9 इसको वापस देने मुझे। एक दो तीन चार, चल निकल, एक और देना है क्या, चल निकल अभी। हाँ तो इसने काफ़ी ज़्यादा परचेस करा है भाई, अच्छा उसने दूसरे वाले कार्ड बाय नहीं करे, नहीं तो मेरा घाटा हो जाएगा क्योंकि मैंने उसके प्राइस सेट नहीं करी थी यार। चल निकल। और ये रहा ये वाला बंदा भाई, उसने काफ़ी सारे यही बाय करे यार, इसका भाई सिर्फ $6 हुआ यार। क्या यार घाटे में चला गया है मैं, 16.12 काटने ना इसके। चल निकल। बकवासी चीज़ हो गया भाई मेरे साथ तो आज। चलो इसको मैं अभी रख सकता हूँ क्या यहाँ पे कहीं पे, ओ भाई साहब ये देखो मैंने अभी जस्ट नोटिस करा, ये बंदे इस टेबल के ऊपर आके खेलने भी लग चुके हैं यार। ओह नाइस वन ब्रो, नाइस वन। ये टेबल इसलिए थे क्या, मुझे पता नहीं था भाई ये टेबल किस लिए थे। ये बंदे एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं, कार्ड वाली फाइट, रेल वाली फाइट नहीं भाई, रेल वाली फाइट करेंगे तो मैं इनको पेल दूंगा भाई खतरनाक वाला। चलो ठीक है भाई खेलो खेलो अपना मजे करो। मुझे एक और टास्क है, लेट 10 कस्टमर्स प्ले कार्ड गेम इन योर शॉप। ओके एक और बंदा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसके अंदर से बदबू आ रही है क्या, व्हाट द हेल, ये क्या है ग्रीन। इसके ऊपर मैं सेंट नहीं मार सकता क्या, स्प्रे वगैरह, अच्छा नहीं स्प्रे था ना मेरे पास, व्हाट द हेल। लेकिन ये कौन सा स्प्रे, लेट मी चेक। ओ मैं सारे के सारे कार्ड्स को ओपन कर सकता हूँ ना, इसको ओपन कर सकता हूँ क्या, रुको आर टू ओपन, इसको ओपन नहीं कर सकता, इस स्प्रे को ओपन कर सकता हूँ क्या, आर टू ओपन, वो कर सकता हो भाई। है तंग हो गया बंदा, उई भाई उसके ऊपर स्प्रे को मुझे छिड़काना था भाई, देखा तुम लोगों ने। उसके ऊपर जो बदबू आ रही थी ना वो चली जा चुकी है, और अभी मैं इसको सेल कर सकता हूँ। मैंने यूज़ कर लिया ना, मेरे ख्याल से अभी इसको मैं सेल नहीं कर सकता, कैसे भाई कैसे, नहीं सेल कर सकता क्या, शिट यार, आर टू कैंसल, और अभी कर सकते हो भाई मैं इसको सेल, व्हाट द हेल भाई बढ़िया चीज़ यार ये तो। प्रेस एंटर टू स्टार्ट नेक्स्ट डे, ओके एंटर दबाऊंगा तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। और भाई मैं देखते देखते लेवल 3 का हो गया यार, मैंने तो नोटिस ही नहीं करा। चलो ठीक कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी मतलब मेरा कुछ भी नहीं यार, मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ यार, मेरा माइनस हुआ है $800, लेकिन माइनस नहीं बोल सकते यार तुम, मैंने उसको लगाया हुआ है अपनी शॉप के अंदर। ठीक है वो पैसे हम लोग को वापस मिल सकते हैं। हाँ तो नेक्स्ट डे का स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, और मैं लेवल 3 का हो चुका हूँ, तो लेवल 3 का होने के बाद क्या क्या चीज़ें अनलॉक होती है लेट मी चेक। ठीक है स्टॉक ऑर्डर
स्टॉक ऑर्डर नहीं यार, इसी के अंदर रखते बेसिक कार्ड बॉक्स। ओ भाई साहब, ये थोड़े से महंगे वाले कार्ड हम लोगों को मिल चुके, सेम है क्या पता नहीं, वॉट एवर। चलो ठीक है भाई, ये अनलॉक हो चुके, इसको मैं बाय कर सकता हूँ 150, लेकिन मेरे पास थोड़े ही पैसे तो अभी बाय नहीं करूँगा मैं, ठीक है। और क्या क्या अनलॉक हुआ है, लेट मी चेक। दूसरे टैप के अंदर, बूस्टर के अंदर तो यही हुआ है, एक्सेसरीज के अंदर ये वाला ऑलरेडी हो रखा है और स्प्रे हो रखा है, ठीक है। और इसके अंदर टॉय अनलॉक होने के लिए भाई 6 लेवल होना चाहिए यार, क्या बकवास है ये। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने शॉप के अंदर एक और शेल्फ होना चाहिए, तो माय DIY के अंदर जाके मैं शेल्फ को बाय कर सकता हूँ ना। यस, बाय तो कर सकता हूँ। ओ भाई साहब, इस शेल्फ को भी बाय कर सकता हूँ, इस वाले को भी बाय कर सकता हूँ, लेकिन ये $300 का, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा है यार, महंगा यार। चलो ठीक है, इसको बाय कर लूँ, वाई नॉट यार, कर लेते। एक और शेल्फ अपने पास होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच सकता हूँ अपने शॉप के अंदर, ठीक है। चलो इसको उठाया, इसको ओपन करा, और मैं इसको कहाँ पे लगाऊँ, जस्ट इसके बाजू में लगा दूँ, लगा तो सकता हूँ, लेकिन उसके पहले ये जो ये ना, इसको मुझे ऐसे उठा के इसके अंदर रखना पड़ेगा, आर्ट ओपन, व्हाट द हेल। चलो ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऐसे रख देता हूँ, एंड इस बॉक्स को ऐसे फेंक देता हूँ मैं यहाँ पे, देन इस शेल्फ को मूव करके हम लोग रखेंगे जस्ट इसके बाजू में कुछ इस प्रकार से। चलो ठीक, अच्छा थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया क्या, थोड़ा सा पीछे नहीं रख सकता मैं इसको, वैसे रख तो सकता हूँ, हाँ इतना पीछे है ना फिर। और इसका प्राइस मुझे सेट नहीं करना पड़ेगा, लेट्स गो, ये बढ़िया चीज़ है। और भाई साहब कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, ओबे यार मैंने अपनी शॉप को ऑफ करके रखा था यार, ये बेचारा आके वापिस चला गया यार, पैसा आके जा रहा है यार, शिट ब्रो। चलो ठीक है भाई, मेरा नेक्स्ट टास्क जो था ना वो था 10 कस्टमर्स को अपने जो ये बेंचेस थे ना यहाँ पे कार्ड गेम प्ले कराना था, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदे खेले अपनी शॉप के अंदर, ठीक है। तो थोड़े से कस्टमर आए हैं, इनको मैं सर्व कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने जो कार्ड अभी ओपन करे थे ना, उन कार्ड, वो जो कार्ड है ना ये रहे वो, लेकिन इन कार्ड के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर गेम खेल सकता हूँ, लेट मी चेक। मैं तो गेम नहीं खेल सकता, लेकिन इन कार्ड का करना क्या यार, समझ में नहीं आ रहा, क्या इन कार्ड को मैं निकाल के ऐसे कहीं पे रख सकता हूँ क्या, पुट कार्ड, अच्छा मतलब पुट नहीं कर सकता मैं, बस ऐसे देख सकता हूँ। चलो ठीक है भाई, इसको कहीं पे भी मैं नहीं रख सकता, बस ये मेरी कलेक्शन के लिए, ठीक है। और भाई काफ़ी सारे पेजेस यार यहाँ पे भी देखो तुम लोग भाई, 110 पेजेस यार, खतरनाक सीन है बे। और इसको बंद कैसे करूँ, हेलो व्हाट द हेल, आर टू क्लोज, अच्छा आर से क्लोज कर रहा है भाई, भूल गया था मैं। फेयर प्राइस आई हैव टू से, व्हाट द हेल भाई, इसको प्राइस ज़्यादा महंगा लग रहा है क्या भाई साहब, इसने काफ़ी सारे स्प्रे भी बाय करे, और ये सबसे महंगा कस्टमर होने वाला है आज तक का। तो इसने कार्ड दिया है 87 भाई, आज तक का सबसे महंगा कस्टमर। चल ठीक है भाई, $87 निकाल और निकाल जल्दी से शॉप के अंदर से। और भाई साहब काफ़ी तगड़े तगड़े कस्टमर आते हैं यार अपनी शॉप के अंदर, यू नो अपना शॉप धीरे धीरे फेमस होने लगा है यार, ज़्यादा कस्टमर आने लग चुके हैं अपनी शॉप के अंदर। तो $3 इसे वापस देने मुझे, ये चल निकल। और भाई $232 मेरे पास वापस से हो चुके हैं, तो अभी मैं ये वाले जो स्प्रे है ना इसको और बाय कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वाले जो स्प्रे है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये बॉक्स है, इसको मैं बाय कर सकता हूँ ना, इससे अच्छा भाई मैं स्प्रे बाय कर लेता हूँ यार, या फिर इसे बाय करूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। चलो भाई मैंने मन बना लिया है कि हम लोग अभी स्प्रे ही बाय करेंगे, ठीक है। चल आ जा स्प्रे परचेस, और ये जो स्प्रे है ना, ये रहा स्प्रे अपना, इसको हम लोग ओपन करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। जा भाई कहीं पे तो जा जल्दी, ये स्प्रे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यार, इसलिए मैंने खरीदा है पता है। और भाई इसका जो प्राइस है ना उसको मैंने लगाया हुआ है ठीक से। चलो ठीक है भाई, एक स्प्रे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और ये जो बंदे ना इसके ऊपर घुमाता हूँ भाई, इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही, पता नहीं फार्टिंग कर रही है क्या। चलो भाई आर टू क्लोज, एंड वापस से बेचेंगे भाई यूज़ किया हुआ माल। चल
इसको सर्व कर लेता हूँ। और भाई दो और बंदे यहाँ पे आ चुके हैं खेलने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे अपना जो मिशन है ना ये कंप्लीट हो जाएगा, और मैं एक बार इन लोगों को देखना चाहता हूँ भाई कैसे गेम खेलते हैं कैसे नहीं। भाई ये भी खेलना चाहती है यहाँ पे। अच्छा नहीं आई क्यों थी फिर यहाँ पे, गेम देखने के लिए आई थी क्या? और भाई ये बंदा हार रहा है, देखो ये सर के ऊपर हाथ रख रहा है भाई, ये पूरा हार रहा है गेम, पागल गई का। ये देखो एक और बंदा आ चुका है खेलने के लिए आए, चलो बढ़िया। और भाई ये जो खेलेंगे ना इससे मेरे को प्रॉफिट वगैरह मिलेगा क्या? कुछ पता नहीं, अब इसको इनका खेल कंप्लीट होने दो उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा। जी अकेला बैठा हुआ है भाई, इसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, क्या मैं खेल सकता हूँ? नहीं यार ये बैठा हुआ है, तो क्या मैं इसको मूव कर सकता हूँ यहाँ से वहाँ पे? नहीं करना भाई, नहीं तो वो आंधे लग जाएंगे, कस्टमर चला जाएगा अपना अगर मैं इसको उठाऊंगा तो। ये लो एक और बंदा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये खेलना चाह रहा है, चलो ठीक है भाई। और इन दोनों के बीच में भी फाइट हुई कि, और इन दोनों के बीच में तो काफ़ी देर से चली रही है, ठीक है। चार कस्टमर्स को हम लोग सर्व कर देंगे इसके बाद। ये दोनों उठ चुके हैं, एंड उठने के बाद 8.33 डॉलर इन लोगों के दोनों के कटे, ठीक है। मतलब एक एक के 8.38 समथिंग, चलो ठीक है भाई। एक और बंदा आ चुका है, इसके साथ खेलने के लिए फिलहाल तो कोई नहीं है। और ये बंदा हार रहा है, देखो ये जीत रहा है। बंदे जितना ज़्यादा यहाँ पे खेलेंगे ना उतना ज़्यादा हम लोगों को थोड़ा सा पैसा भी मिलेगा, ठीक है। इसने एक स्प्रे खरीदा है, पता क्या पता इसने यूज़ करा हुआ स्प्रे खरीदा हो भाई, उसका कीमत कम होता है क्या? नहीं इनफ होता है यार, 5 और 6, चल निकल। और गाइज मेरे पास $200 वापस से हो चुके हैं, तो क्यों ना मैं थोड़े से और कार्ड बाय कर लूँ, क्योंकि देखो कार्ड तो ख़त्म होने आए हैं ना। तो स्टॉक के अंदर जाके अभी जो नए वाले कार्ड अनलॉक हुए थे ना ये वाले, इसको बाय कर लेता हूँ मैं और परचेस कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्टी, व्हाट द हेल। अच्छा नहीं मैंने उसको कार्ट में नहीं डाला था, ये बस अनलॉक हुआ था, ठीक है। क्या पैसे कटते हैं भाई इन चीज़ों को अनलॉक करने में? भाई मैं वही सोचू क्या हो रहा है, $150 मेरे कटे यार भाई इसको अनलॉक करने में, और इसको अनलॉक करने में मेरे कटेंगे $200 भाई, क्या बकवास चीज़ है यार ये तो। ठीक है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब इसको अनलॉक करा है तो बाय तो करना बनता है, चलो ठीक है। एक पैकेट में बाय कर लेता हूँ, कार्ट के अंदर डाल के इसको मैं परचेस कर लेता हूँ, ठीक है। और ये बाहर आया है, इसको ओपन करता हूँ भाई, ये कुछ अलग टाइप की है क्या? लेट मी चेक, पूरे के पूरे बॉक्स है भाई ये। ओहो भाई इसका प्राइस मैंने अभी तक सेट नहीं करा, इसका मार्केट प्राइस जो है ना वो $21 का है भाई साहब, तो इसका जो प्राइस मैं रखूँगा $22, 5 ज़्यादा होगा, 23 रखता हूँ, 24 इनफ है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। चलो इसको बंदे परचेस करते हैं या फिर नहीं ये हम लोग को बाद में पता चलेगा, क्योंकि इसका प्राइस मैंने थोड़ा सा महंगा रखा है, ठीक है। चलो इन दोनों का खेल के हो चुका है, और पैसा मेरे पास थोड़ा सा आ चुका है, लेट्स गो। और चार कस्टमर को हम लोगों को यहाँ पे खिलाना है, तब जाके अपना टास्क कंप्लीट होगा, ठीक है। ओके ये दोनों भी खेल के जा चुके हैं गाइज, और सिर्फ दो कस्टमर को हम लोग को अभी यहाँ पे खिलाना है, और लेट्स गो भाई। इसने स्प्रे खरीदा है यार, काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा शायद। 42, चलो ठीक है यार, 1 2 3, हाँ चल निकल। और इसने भाई वो नए वाले बक्से परचेस करे क्या? नहीं, इसको $8 मुझे वापस देना है। और दो बंदे आप भाई, तुम दोनों साथ में नहीं खेल सकते क्या? पागल हो गया, थोड़े से बाजू बाजू वाले टेबल में बैठे हैं भाई, अगर सामने सामने बैठते तो क्या होता यार, खेल लेते दोनों अपने साथ एक दूसरे के साथ। बकवास चीज़ है यार ये। और भाई एक दिन हो चुका है ना, तो क्या बिल यहाँ पे मुझे आ चुका है क्या? बिल तो यहाँ पे आ चुका है $7। चलो इसको तो मैं पे कर सकता हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेकिन ये जो शॉप का जो बिल है ना, किराए का बिल, शॉप का जो किराया होता है उसका किराया, शॉप का किराया क्या बोलना चाहता हूँ भाई मैं, तो $100 है यहाँ पे, बाद में पे करेंगे भाई, छोड़ो यार बाद में पे करेंगे हम लोग ये वाला किराया। और भाई तुम लोग एक दूसरे के साथ खेलो ना यार, थोड़े से पागल वागल हो क्या भाई? हाँ पीले बाल वाले और ये पेड़ टाइप वाले बालों वाले खेलो ना दोनों। चलो दो और कस्टमर आए, ये दोनों पक्का खेलेंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से। चलो ये बंदा तो पक्का खेलने के लिए आया है, क्योंकि ये वहाँ पे जा रहा है डायरेक्टली, चलो ठीक है, ये खेल रहा है अभी और टास्क अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है इसके बाद। और मैं क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर क्या हम लोग एक एम्प्लॉय हायर करें? भाई इसने काफ़ी बकवास चीज़ें बाय करी यार,
चलो ये भी खिलेगा यहाँ पे शायद। और नेक्स्ट वाले एपिसोड में क्या हम लोग एक एम्प्लॉय हायर करें? एम्प्लॉय है यहाँ पे गो रिक्रूट, इसको मैं हायर कर सकता हूँ। अपना शॉप लेवल 10 का होना चाहिए भाई साहब। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में भी हम लोग इसको नहीं कर सकते शायद से हायर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दोनों खेल रहे हैं और यहाँ पे रात हो चुकी है, तो इन लोगों को ना कार्ड नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं ना यहाँ पे लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि इन लोगों को एक एक कार्ड ठीक से दिख सके, ठीक है। और अपने शॉप के अंदर भी अच्छे से उजाला हो। और मेरा टास्क ओपन हो चुका है, ये लेट्स गो बाय अ कार टेबल एंड पुट इट इन शॉप। तो मुझे एक नया टास्क आया है कि कार टेबल एंड पुट इट इन शॉप। तो कार टेबल मैं बाय कर सकता हूँ माय डीआईवाई के अंदर। ये रहा कार टेबल भाई, इसका प्राइस है $400 भाई लिटरली, और मेरे पास $400 नहीं है भाई साहब। तो क्या मैं लोन वगैरह ले सकता हूँ? ऑफ कोर्स यार, गेम के अंदर ऑप्शन ही नहीं है लोन लेने का। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग उसको बाय करेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर कार टेबल को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से कस्टमर्स को आने देंगे, उनको अपने कार्ड्स बेचेंगे, देन हम लोग के पास आएंगे $400, देन हम लोग उस कार टेबल को परचेस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे उस कार टेबल का यूज़ क्या है। कार टेबल इसका मतलब हम लोग उसके अंदर कार्ड रख सकते हैं ना, वहाँ पे लिख के ही नहीं आ रहा भाई इसका यूज़ क्या है। कार्ट में डाला, मनी नहीं भाई, वाह। $400 तो सिर्फ और सिर्फ इसको अनलॉक करने के भाई। इसको अनलॉक करने के शायद $400, इसको बाय करने के नहीं, पता नहीं भाई, बाद में पता चलेगा अभी ये तो। या तो हम लोग उस कार टेबल को बाय करेंगे लेकिन नेक्स्ट वाले एपिसोड में, और नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग अपना जो शॉप है ना इसको भी एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एपिसोड गाइज आप लोगों को कैसा लगा ये तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा, अगर लगा हो तो एपिसोड को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही नए नए मजेदार धमाकेदार गेम प्ले वीडियोज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज, गुड बाय गेमर्स।